यार दोनों फोन इतने ज्यादा महंगे हैं लेकिन फिर भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो रेनो 10 प्रो स्मार्टफोन को नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि ओप्पो के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ नथिंग के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस OLED LTPO डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओप्पो का फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि कलर OS 13.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ नथिंग का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि नथिंग OS 2.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना ना तो यार नो डाउट जो नथिंग के अंदर हमें नथिंग OS मिल रहा है ना भाई, एकदम क्लीन UI फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ओप्पो के कलर OS की तरह नहीं कि भर भर के तो आपको ब्लोटर से मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो ओप्पो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ नथिंग के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो ना एकदम बढ़िया वाली गेमिंग के लिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली नथिंग की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस दिया गया भाई, काफी ज्यादा बढ़िया चिपसेट है, काफी बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन जरा ओप्पो को देखना भाई, फोन का रेट है 40,000 पे और जो प्रोसेसर दे रहे हैं ना यार वो 25,000 वाले फोन का दे रहे हैं, स्नैपड्रैगन 778G। ये हाल है, बताओ यार इनके कॉस्ट कटिंग करना तो कोई ओप्पो वालों से सीखे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो ओप्पो के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ नथिंग के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओप्पो की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर दिया गया है, टेलीफोटो कैमरा 32 मेगापिक्सल का और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ नथिंग फोन का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का जिसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज और वीडियोस आपके क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई उसमें हमें सोनी IMX890 सेंसर दिया गया जो कि काफी ज्यादा बढ़िया सेंसर है भाई, काफी बढ़िया फोटो वीडियो आपके क्लिक कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली ओप्पो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया भाई, सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। यार दोनों फोन इतने महंगे हैं फिर भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा भाई, ये हाल है इनके। पैसा बर्बाद। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ओप्पो फोन के अंदर हमें 4600mAh की बैटरी दी गई है जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ नथिंग के अंदर हमें 4700mAh की बैटरी दी गई है जो कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और एक जरूरी बात दोस्तों, नथिंग बेशक 45 वोल्ट का सपोर्ट आपको दे रहा है लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा भाई, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से तो भाई ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहां पर ओप्पो का फोन ही विनर है। और वायरलेस चार्जिंग की अगर हम बात करें तो ओप्पो फोन यहां पर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नथिंग का फोन 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं यहां स्पीकर्स की तो ओप्पो का फोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ नथिंग फोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस
लोग भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि ओप्पो फोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 पे, वहीं दूसरी तरफ नथिंग फोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फोन में गेमिंग वगैरह नहीं करनी है भाई, लेकिन कैमरा सेटअप के हिसाब से अगर आपको ओवरऑल एकदम बढ़िया फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली ओप्पो की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार, नथिंग फोन पे 50,000 पे इन्वेस्ट करना मेरे अकॉर्डिंग तो यार सही नहीं है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है इस स्मार्टफोन का। बाकी दोस्तों, इसकी जगह पर आप OnePlus 11 स्मार्टफोन ले सकते हो भाई, सही में यार वो वाला स्मार्टफोन ना अपने प्राइस पॉइंट को काफी ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। तो बस दोस्तों, यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।